नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अरशद खान। लॉकडाउन में एक और अनोखी शादी का नजारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर देखने को मिला है, जहां पर सरकार द्वारा परमिशन ना मिलने के कारण उत्तराखंड निवासी फैसल को अपनी बारात उत्तराखंड बॉर्डर तक ले जानी पड़ी और वहीं पर ही शादी करके दुल्हन को घर वापस लेकर आना पड़ा। पूरे मामले के लिए, पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। लॉकडाउन के चौथे चरण में उत्तराखंड से शादी के जोड़े में आए दूल्हा दुल्हन का बॉर्डर पर ही हाफिज ने निकाह पढ़ाया, वो भी महज इसलिए कि उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्य में जाने की अनुमति जो नहीं दी। सड़क किनारे बॉर्डर पर निकाह की रस्म पूरी करके दूल्हा अपने चार साथियों के साथ दुल्हन को अपने घर उत्तराखंड की ओर ले गया। दूल्हे की पोशाक सड़कों की धूल फांक रही है। ये है जनाब उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के रहने वाले मोहम्मद फैसल, जो अपने चंद साथियों के साथ बिजनौर के नगीना की रहने वाली दुल्हन को लेने के लिए बारात लाया था। बारात को यूपी उत्तराखंड की सीमा पर रोक दिया गया था, वो भी इसलिए कि उत्तराखंड सरकार ने दूसरे स्टेट में जाने की इजाजत नहीं दी थी, बल्कि बॉर्डर तक ही जाने की इजाजत दी गई थी। इसी के तहत बॉर्डर पर हाफिज ने दूल्हे का निकाह पढ़वाया। दुल्हन भी बॉर्डर पर ही मौजूद थी। चंद लोगों की देखरेख में निकाह की रस्म की अदायगी के बाद दूल्हा अपने साथ दुल्हन को अपने घर ले गया। मेरी बारात में सिर्फ चार लोग आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं, टिहरी गढ़वाल। अच्छा, वहाँ से जो है आपने किससे परमिशन ली यहाँ पर? जिला अधिकारी। अच्छा, उन्होंने बॉर्डर पे परमिशन दी। जी सर। लड़की पक्ष के कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर। कौन सी जगह? नगीना। अच्छा, उधर से दुल्हन पक्ष के साथ कितने लोग आए थे? करीब तीन लोग आए थे। अच्छा, तो यहाँ पर शादी हो गई। जी। अब दुल्हन को लेकर आप उत्तराखंड जा रहे हैं? जी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे संवाददाता ताबिज मिर्जा बिजनौर से लाइव जुड़ चुके हैं। ताबिज, टिहरी गढ़वाल के फैसल और बिजनौर के नगीना की दुल्हन थी, क्या कुछ पूरा मामला रहा इस अनोखी शादी का? देखिए अर्शद, मैं आपको बताया चलूं, ये मामला आज का है जहां पर एक बॉर्डर पे एक अनोखी शादी हमको देखने को मिली है, एक अनोखा निकाह हमें देखने को मिला है। अगर हम फोर लॉकडाउन की बात करें तो फोर लॉकडाउन के अंदर ये 14 दिन बिजनौर में चल रहा है और जिसको लेकर एक ऐसी शादी हमारे कैमरे में कैद होने की आप वो तस्वीरें देख भी सकते हैं अक्सर। लेकिन मैं बात करूं प्रशासन की, तो प्रशासन ने इन लोगों को बारात के लिए कोई भी परमिशन यूपी के अंदर घुसने के लिए नहीं दी थी, जिसको लेकर बॉर्डर पे इनका निकाह करवा दिया गया है और निकाह के साथ साथ वो अपनी बीवी को उत्तराखंड राज्य ले गए हैं। जी अक्सर, परमिशन उत्तराखंड सरकार ने नहीं दी या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर भी सील है इस वक्त, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है आगे बारात को ना आने दिया? देखिए अक्षर, कहीं ना कहीं प्रशासन एक सख्त नजर दिखाई दे रहा है क्योंकि लगातार बिजनौर में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर यूपी की जो बॉर्डर है उसी के उन लोगों को उधर तो उत्तराखंड के राज्य में परमिशन नहीं मिली, इधर यूपी के राज्य में परमिशन नहीं मिली, इसको लेकर वही बॉर्डर पे पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर उसका निगाह करा दिया गया। अक्षर जी बिल्कुल, तब इस शादी को आपने देखा है तो क्या कुछ प्रबंध वहां पर किए गए थे और कहां पर? जानकारी के मुताबिक शादी जो है मौलवी ने सड़क पर ही वहीं पर निकाह पढ़ाया है, तो क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रही थी तब इस? देखिए निकाह के साथ जो भी मुस्लिम धर्म के अंदर जो मेन चीज होती है उसके लिए वहीं उनका निकाह करा दिया गया है। निकाह के साथ साथ उन बराती के साथ चार लोग आए थे और लड़की वालों के साथ तीन लोग आए थे। जैसे मुस्लिम समुदाय के अंदर निकाह पढ़ा जाता है वैसे ही वो निकाह की रस्म करने के बाद निकाह कबूल किया, कबूल करने के साथ लड़का लड़की को अपने उत्तराखंड राज्य में ले गया। अक्षर जी, तब इस परमिशन ना मिलने की वजह क्या बताई गई है? अक्षर मैं अक्षर बताता चलूं आपको, जनपद बिजनौर से कल से ही लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जिसको लेकर बंबई से कुछ लोग जनपद बिजनौर में आए थे और वहीं स्वास्थ्य विभाग ने उनकी जांच की है, जिसमें उनके रिपोर्ट जो आई है वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसको लेकर प्रशासन बहुत सख्त दिखाई दे रहा है। इसी के लिए इनकी शादी की परमिशन नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर आज ही बॉर्डर में इन लोगों की शादी करा दी है। जी अच्छा बिल्कुल ताबिज, लेकिन जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी है कि लगभग 50 लोग एक विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं, तो क्या वहां उस गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर नहीं आई है? क्योंकि केवल चार से तो है विवाह में शामिल हुए थे, फिर भी बारात को आगे जाने की अनुमति नहीं मिली ताबिज।
देखिए अर्षद, हमने लगातार परिजनों से बात की है तो परिजनों का साफ तौर पर यही कहना है कि हमें ज्यादा भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं थी, कि एक दूल्हा और दूल्हा के साथ तीन बराती हम लोग उत्तराखंड बॉर्डर पर पहुंचे हैं। उत्तराखंड बॉर्डर पे हमें यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने कोई भी परमिशन नहीं दी, लेकिन पुलिस वहां पर ये चीज के लिए राजी हुई थी कि हम आपका निकाह इसी बॉर्डर पर करा दिया जाएंगे। जी अर्षद, ऐसी कई शिकायतें पहले भी तबीज हमारे चैनल के पर आ चुकी है, हमारे कैमरे में कैद हो चुकी है। क्या क्या लग रहा है आपको, लापरवाही कहां से हो रही है? उत्तराखंड सरकार की तरफ से लापरवाही हो रही है या फिर बॉर्डर पर ही कुछ गड़बड़ है? देखिए अर्षद, अगर हम बात करूं, क्योंकि हम लगातार बॉर्डर पे जा रहे हैं कवरेज करने के लिए, तो मैं सरासर उत्तराखंड सरकार की कहीं ना कहीं इसमें नाकामी कहूंगा, क्योंकि जो लगातार मजदूर पैदल चलकर उत्तराखंड से यूपी बॉर्डर के अंदर आ रहे हैं। देखिए बिलगांव यूपी की पुलिस इतनी अच्छा उनके लिए कार्य कर रही है कि उनको खाना भी खिला रही है, उनको आइसोलेशन में भर्ती करवा रही है, उनके साथ साथ उनके बसों को अपने अपने उनको घर छोड़ रही है। तो मैं कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य सरकार की इसमें थोड़ी सी एक कमी पाऊंगा कि जो मजदूर यूपी के मजदूर है जो यूपी में जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी ऐसा चीज उनको मुहैया नहीं कराया जाए जिससे वो उत्तराखंड सरकार की तारीफ कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिज हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो एक और लॉकडाउन के में जो है अनोखी शादी देखने का नजारा यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि जानकारी के मुताबिक एक बार फिर उत्तराखंड सरकार की लापरवाही यहाँ पर मजदूरों को लेकर या शादी समारोह को लेकर परमिशन ना दिए जाने को लेकर के सामने आई है, क्योंकि टिहरी के निवासी फैसल को केवल 4 से 7 लोगों की एक बारात उत्तर प्रदेश में ले जाने की अनुमति नहीं मिलती है, जिसकी वजह से एक दूल्हे को अपनी शादी जो है सड़क पर ही करनी पड़ती है और वहां से दुल्हन को अपने घर लेकर आना पड़ता है। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। नमस्कार।